सो गाइस, नया दिन नया सवेरा। आज बहुत एक्साइटमेंट है हमारी पूरी फैमिली में, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं आज पप्पू भैया के गृह प्रवेश में। जो मैंने आपको बताया था कि भिवाड़ी में हमने फ्लैट लिया है, वहीं पे हमारे पप्पू भाई साहब ने भी लिया है और वहीं पे हमारे छोटे भाई ने भी लिया है। तो आज हम आपको दिखाएंगे अपने छोटे भाई का फ्लैट भी और पप्पू भैया का गृह प्रवेश कैसे मनाया, वो पूरा आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। एंगल लीजिए। और ये हमारी अनवी, ये नेहल और ये राजघराने की छोटी बहू। मुझे ट्रॉफी मिली, ट्रॉफी। हाँ, अच्छे से मैचिंग होते हैं। देखो एक बार। हाँ, डैडी जी तैयार होते हैं। हाँ, ये निक्की दीदी परी, और यहाँ पर राजघराने की बड़ी बहू बर्तन करती हूँ। अरे हमारी राजघराने की राजकुमारी। तो गाइस को ये इसने इस क्रीम को लगा के गोरा हुआ है। मेरे क्रीम है गाइस। और आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं हमारे घर में कबूतरों ने जन्म लिया है। ये देखिए कबूतर की मम्मी, और ये देखिए आपको दिखाते हैं बहुत प्यारे छोटे। अच्छे दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कितने प्यारे छोटे छोटे लिटिल बेबी। अभी इनकी मम्मी खाना खिला रही है। हम आपको बाद में हम हर रोज दिखाएंगे आपको, हर रोज इनका ख्याल रखेंगे। और ये देखिए दोस्तों, बाहर का मौसम धूप है, ताजी ताजी। ये गाइस हमारी नेहल की ड्रेस मैचिंग हो रही है। यो ब्रो, और ये आ चुकी है हमारी श्रीमती जी। अब हम लोग हो गए हैं बिल्कुल तैयार, बस कुछ ही देर में हम लोग निकलेंगे भिवाड़ी के लिए। और ये देखिए दोस्तों, मामी और भांजी का प्यार। और ये देखिए आगे हम, और ये हमारे पिताजी, और ये बच्चे अनवी परी, सारे लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में। अब हम निकलते हैं। और ये आ गई हमारे ताऊ जी की गाड़ी, विष्णु की गाड़ी। हमारे छोटे भाई की पैरी निकल चुकी है और हम और बड़े भाई साहब साथ साथ निकलेंगे। और यहाँ बाबू की मस्ती चल रही है। ये देखिए दोस्तों, सनरूफ में ये तेजस बाबू टशन दिखाते हुए, वाह। और ये पहुँच गए हम मानेसर, भीषम बाबा का मंदिर है। और ये आ गया दोस्तों भिवाड़ी का बाईपास, खुला खुला मौसम, बड़ी बड़ी इमारतें, साफ सुथरा रोड। और ये आ गए हम अपनी सोसाइटी में। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ भी एक जगराता हो रहा है, पूरा सजा हुआ है। और दोस्तों ये आ चुकी है हमारी मंजिल। अब आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये निक्की दीदी ऑलरेडी पहुँच चुकी है, नेहल, ये पप्पू भैया, सब लोग आ चुके हैं ज़मीन में बैठ के खाने का आनंद। और ये देखिए हमारे सारे हर्षू भैया के रिश्तेदार, ये कजन ब्रदर हैं उनके, बनना चाहिए। धन्यवाद। और ये रहे हमारे राघव भाई, और ये हमारे डैडी और मैं, और ये पप्पू भाई साहब। और ये हमारे बचपन के दोस्त का बेटा, हमसे भी लंबा हो चुका है, और ये ताऊ जी खाना खाते हुए। अब बाबू भैया, मैं, सारे लोग अब भोजन का आनंद लेंगे। और यहाँ देखिए हर्षू भैया की भाभी सारे बच्चों को टिफिन और पैसे देती हुई, वाह भैया वाह, बच्चियों की तो निकल पड़ी। और यहाँ पर हमने भी खाने का आनंद लिया। उसके बाद देखिए ये बच्चे सारे पूल की तरफ निकल पड़े हैं, पानी नहीं है, लेकिन ये लोग इसमें उतर के इसकी गहराई नाप रहे हैं, क्योंकि आगे चल के इनको यहीं पे स्नान ध्यान सब करना है भाई साहब। और ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा पार्क है, अब ये सारे बच्चे यहाँ एंजॉय करेंगे। यहाँ पे खड़े हो जाओ, इधर सारे बच्चे इधर आ जाओ, जल्दी से। और यहाँ देखिए दोस्तों, क्रिकेट कोर्ट भी है, यहाँ क्रिकेट भी खेल सकते हैं बच्चे। और यहाँ दोस्तों सोसाइटी के अंदर ही देखिए गरम गरम समोसे की दुकान। और ये देखिए दोस्तों, क्या गरम गरम मस्त समोसे तल रहे हैं, अब ये तलेंगे उसके बाद हमारे पेट में चलेंगे। और ये देखिए दोस्तों, आ गया गरम गरम समोसा, और हमारे राघव भाई साहब इसका आनंद लेते हुए, वाह।
और यहाँ हमारे पिताजी बच्चों को ढूंढते हुए यहाँ आ गए हैं, लेकिन इनको क्या पता बच्चों की यहाँ पार्टी चल रही है। और ये देखिए दोस्तों चिली पटेटो, इधर इधर खाओ साहब। और ये देखिए दोस्तों गांधी जी के खोए हुए 3 बंदर। और ये देखिए यहाँ पार्क में लोग वॉक करने आते हैं और ये लोग यहाँ खाने बैठ गए। सो दोस्तों ये देखिए, ये टॉप फ्लोर में ये रहा हर्षु का फ्लैट पप्पू भैया का, और उसके जस्ट बगल में ये विष्णु का, और उसके बगल में ये मेरा फ्लैट। तीनों के एक साथ फ्लैट है। आइए अंदर दिखाता हूँ दोस्तों, ये है सेम टू सेम। और इसके जस्ट सामने ये मेरा लेफ्ट मेरा घर, और ये राइट में मेरे छोटे भाई का घर। और ये देखिए इनका भी सेम फर्नीचर है, सेम कलर है और सेम डिज़ाइन है। और यहाँ शुरू हो चुके हैं हर्षु भैया के भजन। और ये हमारे रवि भाई साहब की सिंगिंग। ये आ गए हमारे पप्पू भाई साहब। और ये रही हमारी माता जी, इनकी आवाज सुनिए दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों शुरू हो गई डांस की महफिल। और ये देखिए हमारे दीपक भैया और पप्पू भैया। और उसके बाद दोस्तों हमने लिया सबसे अलविदा, सबको बाय बाय टाटा। और अब हम निकल चुके हैं अपनी मंजिल की ओर, यानी कि फिर से गुड़गांव। बाय बोलो, बाय 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 बाय। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं, अब आज के लिए इतना, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखें, गुड नाइट, शब्बक है, बाय।